नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की पहली कार्यकारिणी की बैठक नव नियुक्त युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, 24 जिले के जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं। बैठक के उपरांत युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा, आज की बैठक में कई अहम मसले पर चर्चा की गई है। युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, यूथ कांग्रेस से पंचायत स्तर तक युवाओं को कैसे रोजगार मिल पाए, पंचायत सफल अभ्यर्थी हो या जेपीएससी जैसे मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस हमेशा सड़क पर आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं के साथ है। आज प्रथम कार्यकारिणी का बैठक है तो एक इंट्रोडक्शन है, एक दूसरे के साथ हम लोग इंट्रोडक्शन है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, झारखंड के जो नौजवान है, जो पलायन है, बेरोजगारी है, और युवाओं के लिए कैसे नीति निर्धारित है, संगठन हमारा बूथ और पंचायत स्तर तक कैसे जाए, इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोगों का आज बैठक है। और इसके बाद जो बाकी है वो हम लोग आपस में बात करके तय करेंगे कि आगे हम लोगों को झारखंड में कैसे संगठन को और मजबूत करना है, युवाओं की आवाज़ को कैसे मजबूती से उठाना है जो उनकी समस्याएं हैं, और कई ऐसे संगठन हैं जो बंद पर अभी भी जॉब कर रहे हैं, जिनका काफ़ी डिमांड है रेगुलराइजेशन को लेकर। मनरेगा वर्कर भी हम लोगों से लगातार संपर्क में, तो हम लोग सारे समस्या पर बात कर रहे हैं कि कैसे इसको असेंबल करके सरकार से बात करके एक पुल का काम युवा कांग्रेस करें, ताकि सारा जो समस्या है उसका समाधान युवाओं का खासतौर पर हो पाए।